जनाब सुनिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कौन हो तुम? राहगीर है जनाब, ये जत्रा देखकर रुक गए। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी कुछ कहें। क्या कहना चाहते हो? ऐसे शुभ अवसर पर खून खराबा ठीक नहीं है। आप यही चाहते हैं ना कि ये जत्रा रोक दी जाए, और आप लोग चाहते हैं कि ये जत्रा चलती रहे। चाहते हैं। हम यही चाहते हैं। तो क्यों ना ये तय करने के लिए एक प्रतियोगिता। वही बात कहो। हाँ सरकार, हम ये कह रहे थे कि इस प्रतियोगिता में आप जीत गए तो अभी तुरंत ये जत्रा रोक दी जाएगी, परंतु यदि कोई गांव वाला जीत गया तो ये जत्रा चलने दी जाए। सरकार नहीं, 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 हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। जो पीछे हटेगा वो कायर कहलाएगा। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारी लाश के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। बस डर गए सब। नहीं नहीं भाव, तुम ठीक कहते हो, हमें मान्य है तुम्हारी बात। और आपको सरकार? हमें मंजूर है, लेकिन इस मुकाबले की तजवीज तुमने रखी है। शायद तुम्हें मुकाबले देखने का बहुत शौक है। अगर ये मुकाबला ये गांव वाले हार गए, ये यात्रा रोक दी जाएगी और हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। ठीक है, हमें मान्य है। ताई साहब, हम आपसे एक बात पूछें? नहीं। एक नहीं, 10 बातें पूछिए। ताई साहब, आप भी ना। अच्छा, जब क्या? वो जब आपको पता चला कि राजे का विवाह हमारे साथ होने वाला है, तब आपको कैसा लगा? सही जोइए नहीं, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। चुप हो जाइए। हमें नहीं, अब जाके आप सोयरा को चुप कराइए। हम कहाँ उनसे विवाह कर रहे हैं, हमने हाँ किया क्या? आपने मना भी नहीं किया। थोड़ा तो बुरा लगा ही होगा ना? देखिए ना सोयरा, कितना अच्छा हालता लगा है ना? ताई साहब, आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। आप हमारी छोटी बहन जैसी हैं। ताई साहब, हमें आपसे ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था ना? सोयरा, ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं आप? ताई साहब, अब क्या हुआ? हम आपके पैरों पर आलता लगा दें? नहीं नहीं, हमें बहुत काम है ना। लगाने दीजिए ना, हमें अच्छा लगेगा। आइए सोयरा, आप सच में बहुत भोली है। जानती हैं विवाह के पश्चात हमें क्या क्या मिला? आप जैसी छोटी सी प्यारी सी बहन, एक अच्छी सखी, और हमारी दोस्ती को कभी कोई नहीं तोड़ सकता। देवा, देवा, देवा। आखिर कब बुद्धि आई है तुम्हें? हाँ, मती मारी गई है तुम्हारी। अरे हम तो उस सही को आपकी दासी बनाने के प्रयास में उलझे हुए हैं, और आप तो उसकी दासी बन गई हैं।
जी, पत्थर पड़ गए हैं आपकी बुद्धि पर, पत्थर। ना जाने कब समझोगी हमारी बात। कब चलोगी हमारे कहे हुए रास्ते पर, कब चलोगी? माँ, आपका रास्ता हम अच्छी तरह जानते हैं। घर में फूट डलवाना, रोज लड़ाई करवाना, एक दूसरे के विरोध भड़काना, यही रास्ता है ना आपका? हमें ऐसे रास्ते पर नहीं चलना जिसके अंत में केवल दुख और आंसू ही आंसू हो। देखो बेटी। देखिए माँ, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं और अब अंतिम बार कहते हैं, हमारे पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। तो आइए इस प्रतियोगिता के नियम फिर से एक बार सुन लीजिए। अखाड़े के बीचों बीच गन्नों का एक गट्ठर रखा जाएगा जिसे दोनों ओर के प्रतियोगी बारी बारी से आकर एक ही वार में काटेंगे। हर बार गट्ठर में गन्नों की संख्या बढ़ती जाएगी। हालांकि इस प्रतियोगिता के इतिहास में आज तक कोई भी प्रतियोगी 9 से ज्यादा गन्ने के गट्ठर को काटने में कामयाब नहीं रहा है। आइए ये प्रतियोगिता आरंभ करते हैं 6 गन्नों के गट्ठर से। वाह हजूर, माशाल्लाह, क्या कहना आपकी जोरे बाजुओं का। गन्ने हैं, अद्भुत, अति अद्भुत। और अब हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इस गट्ठर में 10 गन्ने हैं इस गन्ने के गट्ठर को काटने में सफल रहेगा उसे शिवाजी राजे भोसले की तरफ से 1 घोड़ा इनाम में मिलेगा। और अगर यह युवक असफल रहा तो हम इसकी गर्दन उड़ा देंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह। आज तक आपने 9 से अधिक गन्ने नहीं काटे हैं।
उस बेचारे राहगीर युवक के प्राण संकट में क्यों डाल रहे हैं आप? अगर ये युवक असफल रहा तो हम इसकी गर्दन उड़ा देंगे। इनके प्राण संकट में डालने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। क्या सोच रहे हो मित्र? नहीं नहीं, मैं इस अनर्थ का भागीदार नहीं बन सकता। मैं इस प्रतियोगिता से पीछे हटता हूं। देर कर दी पीछे हटने में। आप चाहे तो ये मुकाबला हार करके इसकी गर्दन कटवाओ या बिना मुकाबला लड़े। है कोई और जो हमसे मुकाबला करे? कोई नहीं। बेचारा मुफ्त में जान गंवाने के लिए आ गया तुम लोगों के बीच। मरने के लिए तैयार हो जा। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं करूंगा तुम्हारा मुकाबला। क्या नाम है तुम्हारा? जीवा। बस निकल गई सारी हवा। वाकई तेरा मुकद्दर बहुत खराब है नौजवान। हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। चल अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतनी सफाई से वार किया कि गन्ना भी कटा और पता भी नहीं चला। ओ
11 गन्नों का मुकाबला हो जाए। नहीं नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो जाने दीजिए। हमें मंजूर है। शिवाजी राजे की अहमद खान, हारे हुए प्रतियोगी को इस तरह तनकर खड़ा होना शोभा नहीं देता। जाओ और जाकर अपने बिल में छुप जाओ। जाओ यहां से। भाग्यशाली है तू बहुत जो आज हमारे राजे यहां पर नहीं है। अन्यथा उनका एक संकेत पाते ही हम तेरे इन कन्नों की तरह टुकड़े कर डालते। जा, भाग जा यहां से और दोबारा किसी मराठा की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत मत करना। जा। आज की लड़ाई में हमें जीवा जैसे योद्धा की आवश्यकता है।